As you can see कि मैं आया हूँ होटल में, मोटर होम छोड़ के थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिसमें जान का खतरा हो गया था एक तरीके से, तो इसलिए मैं मोटर होम छोड़ना पड़ा फिलहाल के लिए, ट्रिप नहीं, फिलहाल के लिए मोटर होम और सीधा होटल में आया इमरजेंसी में। बट वो सारा एक्सपीरियंस मैं फुल वीडियो में शूट नहीं कर सकता था क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में घबराहट में हुआ, तो इसलिए मैंने उसकी यूट्यूब स्टोरीज बना ली और वो उसकी कंपाइलेशन, क्योंकि सारे लोगों तक स्टोरीज पहुँचती नहीं है, आप आज छोटी सी इस वीडियो में देख सकते हैं जो कि वर्टिकली शॉर्ट रॉ वीडियो है, एक के बाद एक कट कट शॉर्ट, ताकि आपको अपडेट पता लग जाए कि आज प्रॉपर वीडियो की नहीं हुई है। मैडम लग गई है बड़े अर्जेंट फ़ोन मिलाने में, एक प्रॉब्लम हो गई थी बड़ी ज़बरदस्त, वो ये है कि यहाँ पे ना एक कार्बन मोनोऑक्साइड का डिटेक्टर लगा हुआ है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो, ये बीप बज गई थी इसकी और फर्नेस चल रहा था हमारा हीटर के लिए, तो ये गैस होती है बड़ी ख़तरनाक। हमने सारे के सारे शीशे इसके खोले, फटाफट बाहर भागे, तभी अपना सबने जैकेट वगैरह पहनी हुई है और अंदर आए तो उनको फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा उसको आप एक बार रीसेट करो, मगर रीसेट करके दोबारा बजने लग गया था। फिर हमने भी फ्यूज़ निकाला है, फ्यूज़ निकाल के उसको रीसेट किया, बट क्योंकि रिस्क है तो हम थोड़ा चांस कम ही लेना चाह रहे हैं, तो अभी हो सकता है होटल चले जाएं इसको यहीं छोड़ के, क्योंकि कल सुबह इसको चेक करवाना पड़ेगा, अब रात बहुत हो गई है और ना मोनोऑक्साइड की कोई स्मेल होती है ना दिखती है, पता लगता नहीं। ये खिड़कियाँ दरवाजे ये तुमने सारे खोल रखे हैं, मम्मी ठंड ज़्यादा है, ये रिस्क नहीं लेनी, मैं नहीं चाहता रात को फर्नेस चले, हो सकता है फर्नेस की वजह से जो अंदर उसकी हवा आती है ना हीटर की कुछ प्रॉब्लम हो, पूरी ना चल रही उसकी प्रॉब्लम हो। यहाँ चलो मोटर होम पार्क में इसको खड़ा किया हुआ है, बट अब फैसला ये हो गया कि रिस्क नहीं लेनी, तो इसी को निकाल के लेके जाएंगे सारे शीशे वगैरह खोल के, क्योंकि गाड़ी में तो अभी क्या ही जाना, बस अब ये पानी शानी खोलना पड़ेगा यहाँ से, पहले तो वहाँ बंद करूँ मैं, अब फुहारा चल जाएगा यार। चलो जी सबसे पहले तो पानी बंद, अब बिजली निकालूँ, कट इलेक्ट्रॉनिक। और जी एक सीन ये भी है ना कि उसको निकाल के हमने रीसेट भी कर दिया और फिर वो बजना बंद हो गया, मगर सारी खिड़कियां खोलने के बाद 15 मिनट बाद फिर दोबारा बज गया, उसके बाद हमने उसको फिर रीसेट किया, अब नहीं बजा बड़ी देर से, मगर चांस लेने का मन नहीं है, क्योंकि अगर फर्नेस सही है तो हीटर तो चलेगा और रात को अगर फिर से प्रॉब्लम आ गई तो, और बीप 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 बाय चांस ना बजी क्योंकि हम सेंसर का तो फ्यूज़ ही रीसेट कर चुके हैं, तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि मोनोऑक्साइड जा रही है। मैडम गई बाहर मेरी जैकेट पहन के सूटकेस लेने के लिए, और मैं फटाफट रूम बुक करा रहा हूँ, मैं उगे तो बुकिंग करा, आपको भी ठंड लग रही है लगता है क्योंकि दरवाजे सारे खुल रहे हैं, बाहर टेम्परेचर कोई 8 डिग्री के आसपास है और मैं प्रोपेन ऑन करने की रिस्क नहीं लेना चाहता। यार ये जल्दी जल्दी में फिर दरवाज़ा बंद करेगी, हैबिट है इसकी, ये तो खुला ही रहे भाई, क्योंकि अब सेंसर भी नहीं बजेगा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हुई यहाँ पे किसी वजह से, वो अलग बात है हमने फर्नेस ऑन नहीं किया। बट फिर माता जी अपने कपड़े निकाल रही हैं, मैडम अपना सामान इसके अंदर भर रही हैं ताकि सीधा होटल पहुँचते ही वहाँ जाए, मेरा काम है अब स्क्रीन डिसमेंटल करना, तारे निकाल दिए इसको अंदर रखूँगा ताकि फटाफट जो है बस अब एडा जो कटी है अपने आप, अनिल जी अटैची तो तैयार हो गई है माता जी कुकड़ी हुई जमी जान क्योंकि दरवाजा जो है वो बंद नहीं करते, मैंने पूछ रही की गला मार रहे हो तुसी, चलिए फिर हम चलो चलो लो मम्मी ठंड ज्यादा है, रजाई पहन के बैठो क्योंकि शीशे खोल के जाना है, बंद करके मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, क्योंकि जिस चीज का अपने को पता नहीं ना उस पर अपने 1% भी रिस्क नहीं लेनी, एक्स्ट्रा सेफ चलेंगे ठीक है। अब जी आगे की बात जो है होटल पहुंच के, क्योंकि अब सारा लाइटें शाइटें बंद करके गाड़ी चलानी है ना, क्योंकि अंदर जितनी लाइट होती है बाहर उतना कम नजर आता है। यार आपको जानवर आए तो ध्यान रखना पड़ेगा। बाय बाय चेरी क्रीक स्टेट पार्क, बहुत बढ़िया पार्क है। अबे जी आई एम होटल, और होटल की तो पार्किंग में गाड़ी लगाने की ये जहाज को कहाँ खड़ा करेंगे, अगर तीन हमें भी गाड़ियों का स्लॉट इकट्ठा मिल जाता तो लंबी खड़ी हो जाती, मगर वो है ही नहीं। अब सैंड्रा जा रही है, मैडम पता करने जाएंगी अंदर कि क्या हमें जो यहाँ पे कुछ स्पेशल पार्किंग है अगर उसमें कोई जगह मिल जाए तो, बट अदरवाइज तो ये गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, 15 मिनट दूर आए। चलो जी मैडम ने आगे ये खबर दी है कि यहाँ से लेफ्ट लेके जो पीछे वाली पार्किंग है ये भी कोई पीछे जो बिल्डिंग है इन्हीं की प्रॉपर्टी है शायद कह रहे हैं, और थे ला दो तो थोड़ा कम सरजू। मम्मी
वो सात वाली पार्किंग में लगाने को बोल दिया, आप आ जाओ, मैं सूटकेस दे रहा हूँ, सेंटर आप जाओ, मैं गाड़ी लगा के आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, देयर यू गो डॉल, थैंक यू। ओके, ये जो सामान है ना, ये गाड़ी में नहीं छोड़ सकते क्योंकि भैया कोई तोड़ तोड़ के ले जाए। और बाकी चीजें? ये बस रोनिन और लैपटॉप वाला बैग मेरा अलग है, वो मैं ले आया। अब ये रात के 12:30 एक तो ही बज गए, तो इसलिए इस सिचुएशन में आज की वीडियो तो एडिट हो नहीं पाएगी, बट अभी फटाफट पहले जाकर रूम में चेक इन कर लूँ, यहाँ तो सब लाइटें बुझानी है। एक सेकंड जी, ए चलो जी, एनू ही ताला शाला लाइए, लॉक पई है, बंद ये बैग और एक पीछे ये पीठ पे टंगा, ये दोनों जरूरी है साथ लेके जाने, इक्विपमेंट वाले। खरगोश घूम रहे हैं यार तो इस टाइम। फाइनली जी होटल चेक इन किया है, एक कमरा साढ़ा दा, दूजा माता जी का। हाँ जी माता जी, फिर तुसे सोने की तैयारी करो हूँ, है ना? 12:30 बज गए, आराम से सो। हाँ चलो, कल होटल में लॉन्ड्री भी कर लेंगे। और इंडिया में तो जी इस टाइम दोपहर के 1 बज रहे होंगे, बट यहाँ पे रात के 1:30 बज रहे हैं, तो इसीलिए आज तो वीडियो एडिट करने का मौका भी नहीं मिला। स्क्रीन वगैरह भी सब अंदर ही है, टाइम आप देख ही रहे हैं कैसे निकल जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। कल से फिर से रेगुलर वीडियोज की पूरी कोशिश रहेगी, बट ये वाले फॉर्मेट की भी फीडबैक दे दीजिएगा कि क्या आपको रॉक अनकट वन कट आफ्टर दी अदर, जब मैं अगर स्टोरी टेलिंग इस तरीके से करूँ तो आपको पसंद आएगी या नहीं। बट ये जो भी वीडियो है ठीक ठाक लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।